बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब सलमान से आखिरी ज़माने के हालात को बयान करते हुए फरमाया, ऐ सलमान, उस खुदा की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है कि एक ज़माना वो आएगा कि जब कुछ चीज़ें मशरिक़ से आएंगी, कुछ चीज़ें मगरिब से आएंगी और हमारी उम्मत को रंगीन कर डालेंगी, यानी हमारी उम्मत उसमें मशगूल हो जाएगी और ये लोग कितने बेचारे होंगे कि उसकी वजह से ज़ईफ़ और कमज़ोर हो जाएंगे। फिर आपने फरमाया कि अल्लाह की पनाह के ऐसे मौके पर खुदा उनकी कमीन में बैठा हुआ है, उनकी ताक में बैठा हुआ है, उन्हें पता नहीं है। वो लोग न छोटों पर रहम करेंगे, न बड़ों का एहतराम करेंगे, खताकारों और गुनाहगारों से अमान में नहीं रहेंगे। फिर आप फरमाते हैं कि उनके बदन तो इंसानों जैसे होंगे लेकिन उनके दिल शैतानों जैसे होंगे। ऐसे ज़माने में खुदा दुआएं पालने वाले हमें शैतान के शर से महफूज रखे और दीन इस्लाम और ईमान पर चलने की तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।